पीछे भी काफी बसें लगी हुई है, उनका लोगों को एक चाहिए जो है रूबरू होने का। बड़े दूर दूर से लोगों को जो छुट्टी मिली है, लोग उसी का जो है कहे अनुपमा जो है वो एक बहाना लेकर के स्नान करते हैं। प्रति सनातन धर्म में इस तरह से आस्था बढ़ती हुई दिखे रही है। एक भक्त और है अनुपम, उनसे रूबरू कराना चाहूंगा। यहाँ की देवी पाई आराध्य दंतेश्वरी है, आज कैसा हुजूम था यहाँ पे? बहुत बिल्कुल अर्जुन, अगर देखा जाए तो भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन लेकिन इस वक्त रायपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रायपुर में भी हमारे संवाददाता श्रीकांत यदु मौजूद है। श्रीकांत, किस प्रकार की तस्वीर रायपुर में देखने को मिल रही है? वहां पर लोग किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं नए साल का? श्रीकांत, अगर देखा जाए तो देश भर में जश्न मनाया जा रहा है 2023 के आगाज का, और ऐसे में रायपुर में किस प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है? वहां पर लोग किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं? और रात 12 बजे भी इस जी बिल्कुल, रात जैसे ही 12 बजे और 2023 का आगमन हुआ, वैसे ही राजधानी रायपुर के जो लोग हैं वो जश्न में डूब गए थे। और आज भी आज सुबह राजधानी रायपुर के अलग-अलग गार्डनों में, मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो गार्डनों में पहुंचे हुए हैं, और साल 2023 का अपने अंदाज में सब जो है स्वागत कर रहे हैं। मतलब नए साल को एक खास तरह से एंजॉय कर रहे हैं, कोई गार्डनों में आया है तो कोई मंदिरों में पहुंचकर जो दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं, और साल 2023 की वो शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह से गार्डनों में लोग पहुंचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये इस वक्त हम मौजूद है रायपुर के विवेकानंद सरोवर में, जहाँ पर ये एक पर्यटन स्थल जैसा है, और रायपुर के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर गार्डन भी है, क्योंकि ये सरोवर के बीच में एक गार्डन है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुँचते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में रायपुर आए हुए हैं, चाहे वो युवा हो, फिर बुजुर्ग हो, सभी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। किस तरह से नए साल का स्वागत आप लोग कर रहे हैं? नए साल तो हम लोग बड़े खुशी और आनंद के साथ अपने फैमिली के साथ घूमने आए हैं बाहर। और क्या बोलते, वहाँ का इन्वायरमेंट, प्लांट्स, वाटर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है हम लोगों को, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो और भी पॉजिटिविटी है। और नए साल का इससे ज़्यादा स्टार्टअप हो ही नहीं सकता हमारे लिए। मतलब नए साल को जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स होती है हर किसी की लाइफ में, उसको फैमिली के साथ सब भूल जाना और स्टार्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। तो रायपुर के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं स्वामी विवेकानंद सरोवर में, और नए साल को अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं रायपुर के वो पहुँचते हैं, और एक तरह से अलग अंदाज में लोग यहाँ पर, लोग कई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और जो है एंजॉय करते हैं, क्योंकि राजधानी रायपुर में एक बड़ी जगह मानी जाती है घूमने के लिए, जो बूढ़ा तालाब गार्डन है वो। तो इस तरह से जो रायपुर के लोग हैं वो अपने ही अंदाज में साल 2023 का जो स्वागत है वो कर रहे हैं, और युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और साल 2023 के स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवाएं, जो युवाओं ने का एक ग्रुप है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और अलग अंदाज में वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम जो युवा हैं वो कुछ स्कूल के, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। किस तरह से स्वागत कर रहे हैं आप लोग नए साल का? धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ फोटो शूट पे आए हैं सब फ्रेंड्स लोग, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। और ये हमारा भाई है, 4 साल बाद। इधर है मेरा भाई, इधर आ भाई, इधर।
देख सकते हैं कि किस तरह से एक अलग उत्साह नजर आ रहा है और बड़े दिनों बाद ये सभी, जैसे बता रहे हैं कि सभी फ्रेंड है और बड़े दिनों बाद ये सभी एक जगह मिले हैं, वो भी नए साल के मौके पर मिले हैं। तो इस तरह से रायपुर में जो है लोग अलग ही अंदाज में नए साल का स्वागत कर रहे हैं। जी अनुपमा, श्रीकांत, अगर जैसे कि देखा जाए तो कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और नया वेरिएंट आ गया है जो कि गुजरात में मिला है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है क्योंकि नए जश्न के साथ में साथ नए कोरोना मरीज भी सामने आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ सुविधाएं हैं? जी बिल्कुल, इस बार जो है थोड़ी सी दिक्कत सामने आई है क्योंकि लोगों को लगा था कि इस बार का जो नया साल है वो बड़े अच्छे से मनाएंगे, हालांकि मना भी रहे हैं, लेकिन एक जो डर है अभी भी कोरोना का वो टला नहीं है क्योंकि अभी जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का वो काफ़ी घातक बताया जा रहा है और अब जो मरीज नए मिल रहे हैं, मरीजों की संख्या में जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक यहाँ के जो लोग हैं वो नए साल का स्वागत कर रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाकर हो या फिर दो गज की जो दूरी है सरकार द्वारा निर्धारित उसको अपनाकर। तो इस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का भी बकायदा यहाँ पर पालन किया जा रहा है, तमाम जो गार्डन है उनमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल की तरह के माध्यम से जो है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको देखते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ भी सभी जगहों पर छत्तीसगढ़ के वहाँ पर कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इस बार जो है कोविड का जो संक्रमण जो दो लहरों में हुआ था, तीन लहरों में हुआ था, वो इस बार छत्तीसगढ़ में ना पहुंच सके। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ में धूमधाम से नए जश्न का आगाज हो चुका है और इसका नए जश्न मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत तमाम चर्चा के लिए और हम तक ये खूबसूरत सी छत्तीसगढ़ की तस्वीर पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए तो जश्न मनाया जा रहा है, अभी आपने हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई, दंतेवाड़ा से तस्वीरें दिखाई, तो साथ ही साथ रायपुर से भी जहां पर लोग जश्न मना रहे हैं और उसी के साथ में पूरे तरीके से देखा जाए तो जश्न में डूबे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका भी हम तमाम जानकारी के लिए और हम तक ये खूबसूरत सी तस्वीर पहुंचाने के लिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नए साल का आगाज हो चुका है, 2030 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ में पूरा देश जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते आपको एक बार फिर से साधना न्यूज की पूरी टीम के साथ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये साल आपके लिए सबसे अच्छा रहे, ईश्वर आपको और ज्यादा कामयाब बनाए, इसी दुआ के साथ आपको नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए साधना न्यूज, नमस्कार।